आपको बताते चले हैं कि लखनऊ राजधानी के मोहम्मद नगर ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर ट्रिपल मर्डर हुआ, वहां पर अभी भी क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अलीहाबाद मोहम्मद नगर क्षेत्र में जमीन पैमाइश को लेकर ट्रिपल मर्डर में बताया जा रहा लेखपाल की अहम भूमिका। ट्रिपल मर्डर से दहली थी लखनऊ राजधानी, दहला था मलिहाबाद ग्रामीण क्षेत्र। लखनऊ राजधानी के मलिहाबाद मोहम्मद नगर में फायरिंग कर गोली मार कर हत्या करने वाला हत्या आरोपी दोनों अपराधी अभी भी हैं पुलिस की गिरफ्त से दूर। मरने वाले पति पत्नी एवं पुत्र के भाई अजीम अहमद का कहना है, जिसने मेरे भाई को मारा है उसको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। ट्रिपल मर्डर करने वाले खूंखार लल्लन खान एवं उसके पुत्र जैसे अपराधियों को एनकाउंटर की मांग। मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर करने वाला खतरनाक हिस्ट्री सीटर लल्लन खान पुराना अपराधी, 70-80 के दशक में बुलेट और घोड़े से चलने वाला आरोपी लल्लन पुराने लखनऊ में गब्बर सिंह नाम से था मशहूर। सर आपका सुना अजीम अहमद खान। सर क्या मामला हुआ था? कोई मामला नहीं था भैया, न उनकी जमीन थी, जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं गुंडई से। उसके बाद जब नपाई हो रही थी उसके पीछे आके गाली गलौज देने लगे। हमारे भाई और हमारा भाई फरीद दोनों वहां से भाग आया तो पीछे पीछे गाड़ी लगा गए, राइफल निकाल के उसके बच्चे को पहले मारा, फिर हमारे भाई को मारा, फिर उसकी बीबी को मार दिया। ये न्याय नहीं है कोई, योगी जी न्याय दिलाए इसका, वैसे दे जैसे उन्होंने मारा वैसे मारे, ये न्याय। तो कितने लोग आए थे? दो बाप बेटा था और दो ड्राइवर थे, एक ड्राइवर था एक आदमी और था, चार लोग थे। तो ये किस टाइम की घटना है? ये 3:30 बजे दिन की, सब तो वीडियो है उसका, सब कुछ हो रहा, आप लोगों पास खुद होगा, सब वायरल हो रहा। तो ये पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस कह रही उचित कार्रवाई सब कुछ करेंगे, जितना कर सकते हैं वो आश्वासन पूरा दे रहे हैं हमें। तो इसमें कोई गिरफ्तार हुआ या नहीं अभी? अब हमें क्या जानकारी, हम तो मुसीबत में पड़े हुए हैं, मुसीबत में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।